दोस्तों कुछ बॉडी मैट्रिक्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। हमारा गोल कुछ भी हो, हमारा गोल वेट गेन करना हो, हमारा गोल वेट लॉस करना हो, या हमारा गोल वेट मेंटेन रखना हो, इन तीनों चीजों के लिए जो आज इस वीडियो में मैं बॉडी मैट्रिक्स डिस्कस करूंगा वो काफी जरूरी है आपके लिए जानना अपने बॉडी के बारे में। सबसे पहले तो आपको आपका वेट इन केजी एंड आपकी हाइट इन सेंटीमीटर पता होनी चाहिए। ये दो चीज आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे। पहला मैट्रिक्स जो मैं डिस्कस करूंगा वो है बीएमआई। आप सबको पता है बीएमआई मींस बॉडी मास इंडेक्स। बेसिकली बीएमआई आपको आपका रिलेटिव वेट बताता है अकॉर्डिंग टू योर हाइट। अगर आपकी बीएमआई 18.5 के नीचे आता है तो आप अंडरवेट है। अगर आपकी BMI 18.5 to 25 के बीच में है तो आप नॉर्मल हैं। अगर ये BMI 25 से ज्यादा है और 30 के नीचे है तो आप ओवरवेट हैं, और अगर ये 30 से भी ज्यादा है तो आप ओबेसिटी के शिकार हैं। दूसरी मैट्रिक्स से मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ वो है बॉडी फैट परसेंटेज। आपको पता होना चाहिए आपके बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है। जितना ज्यादा आपके बॉडी में फैट परसेंटेज रहेगा उतना ही आपका बॉडी कम शेप में दिखेगा। मेन के लिए आपका जो अच्छा बॉडी फैट परसेंटेज माना जाता है वो बिटवीन 8 to 14 है। अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज 8 to 14 है तो आप नॉर्मल। अगर आपकी बॉडी फैट परसेंटेज मोर देन 25 है तो आपका बॉडी फैट अच्छा नहीं है, आप ओबेस कहलाओगे, आप ओबेसिटी के शिकार हो। वुमेन के लिए बॉडी फैट परसेंटेज 20 से 24% इज ओके। अगर वुमेन का 30% एंड अबव है तो आप ओबेसिटी के शिकार हो। तीसरा बॉडी मैट्रिक्स है हमारा BMR, वेसल मेटाबॉलिक रेट। BMR बेसिकली ये बताता है कि आपका बॉडी आइडल स्टेज में, जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो आपको मिनिमम कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है आपके बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए। वो BMR बताता है। अब BMR काफी इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने के लिए, बिकॉज क्यों, देखिए आपका गोल है वेट लॉस, आपका गोल है वेट गेन, आपका गोल है वेट मेंटेन। तो ये तीनों जो गोल है ना वो आपका जुड़ा हुआ है आपके कैलोरी इंटेक से, आप कितना कैलोरी इंटेक करते हो। अगर आपके रिक्वायर्ड आपका जो बीएमआर है उससे आप कम अगर लेते हो कैलोरी, तो मीन्स आप अपने बॉडी को प्रेशर दे रहे हो कि जो स्टोर्ड फैट है वो घटाइए, मीन्स आपका वेट लॉस होगा। अगर आपका जो रिक्वायर्ड कैलोरी इंटेक है, जो बीएमआर आपका जो है उससे ज्यादा कैलोरी अगर आप ले रहे हो, तो आप अपने बॉडी को वेट गेन करने के लिए बोल रहे हो। और अगर जितनी बीएमआर में कैलोरी रिक्वायरमेंट है आप उतनी ही ले रहे हो तो आप अपना वेट मेंटेन रखोगे। आपको बीएमआर पता होना चाहिए। मैंने लिंक में बीएमआर कैलकुलेटर भी डाल दिया है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपना बीएमआर अकॉर्डिंग टू योर वेट एंड हाइट। चौथी चीज है कैलोरी इंटेक कैलकुलेटर। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना कैलोरी चाहिए आपके बॉडी को। हम इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको आपका बीएमआर पता होना चाहिए। अगर आपको आपका बीएमआर पता है अकॉर्डिंग टू बीएमआर आप अगर काफी जीरो जीरो एक्टिविटी है आपकी, आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बीएमआर को सर्टेन मल्टीपल से, तो आपको आपका कैलोरी इंटेक पता चल जाएगा। अगर आप मॉडरेटली एक्टिव हैं, आप हफ्ते में 2 से 3 बार एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स करते हैं, तो आपके डिफरेंट कैलोरी इंटेक की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप हाईली एक्टिव हैं, आप काफ़ी एक्टिव हैं, आप हफ्ते में 5 से 6 बार एक्सरसाइज करते हैं या स्पोर्ट्स करते हैं, तो आपको ज़्यादा कैलोरी की इंटेक होगी। तो आप अपना कैलोरी इंटेक कैलकुलेटर को यूज करते हुए आपको कितनी कैलोरी की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है आपके बॉडी को अकॉर्डिंग टू योर एक्टिविटी, वो आप इस कैलोरी इंटेक कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो। इसका भी मैंने लिंक डाल दिया है नीचे कमेंट में, आप वहां से चेक कर सकते हो।